तो गाइस फाइनली आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके, और आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पावर प्लांट के कुछ ऐसे न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। सो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस हमारी सबसे पहली जो ट्रिक है वो है कि जब भी आप यहाँ पर बैठे बैठे अपने सामने वाले घर के अंदर एक या दो बंदे को नॉकआउट करते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो, ऑब्वियसली आप यहाँ से रश करेंगे। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ से रश करेंगे तो एनिमी के टीममेट जो है वो आपको इजीली नॉकआउट कर देंगे। तो आपको यहाँ से रश बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है सीढ़ियों के थ्रू ऊपर भागकर और यहाँ पर जंप करके इसके टॉप फ्लोर पर चल जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाकर अपने आगे वाले बिल्डिंग के ऊपर ऐसे जंप कर देना है। और गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा सा होकर थोड़ा सा आगे चल जाना है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी बंदा यहाँ पर कैंप करके बैठा है या फिर स्क्वाड कैंप करके बैठी है यहाँ पर आप बैठे बैठे इजीली उसको खत्म कर सकते हो। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी नेड है, यानी कि अगर आपके पास नेड है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है ये वाली ट्रिक। जैसे आप यहाँ पर आते हो तो मान लो कि अगर इस वाले कॉर्नर में कोई भी बंदा बैठा है तो आपको सिंपली इस दीवार की ओर जहाँ पर मैंने मार्क किया है यहाँ पर आपको नेड कर देना है और नेड सीधा टकराकर अंदर की तरफ चला जाएगा। और गाइस यहाँ पर जो भी बंदा कैंप करके बैठा है वो बॉम्ब से ब्लास्ट होकर उसका काम तमाम हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको सिंपली आगे वाले यहाँ पर जंप कर देना है और यहाँ पर आने के बाद जो भी बंदा यहाँ पर कैंप करके बैठा है उसको आप इजिली नॉक एंड फिनिश कर सकते हो। तो हमारी अगली जो ट्रिक है वो है कि जब भी आप यहाँ पर होते हो और मान लोगे इस वाले वॉल और इस वाले वॉल के पीछे अगर कोई भी बंदा या फिर स्क्वाड कैंप करके बैठी है तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से आगे से जाने के बजाय आपको सिंपली करना क्या है कि आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली इस वॉल के यहाँ पर ऐसे खड़े होकर यहाँ पर जंप कर देना है और अपनी जॉयस्टिक को आगे लेते हुए आपको सिंपली यहाँ पर आके बैठ जाना है। और जो भी बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है गाइस उसके ऊपर आप यहाँ से फायर देकर उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकते हो। और गाइस यही सेम चीज़ आप अपनी दूसरी साइड भी कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद जंप करना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे जाकर जो भी बंदा इस वाले कॉर्नर पर बैठा है आप उसको इजीली मार सकते हो और साथ ही अगर कोई भी ऊपर कैंप करके बैठा है तो उसको भी खत्म कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि ये वाली ट्रिक आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। तो हमारी अगली जो ट्रिक है वो है कि जब भी गाइस आपको लगता है कि इसके अंदर कोई भी बंदा या फिर स्क्वाड कैंप करके बैठी है तो आपको यहाँ से सीधे घुसने के बजाय आपको सिंपली करना क्या है कि आपको नीचे उतरकर यहाँ से विंडो से बाहर जंप कर आपको यहाँ पर इस घर के ऊपर चढ़ जाना है। और गाइस यहाँ पर आने के बाद तो आप जैसे ही घर के ऊपर आते हो तो आपको सिंपली आपके आगे वाले कंटेनर के ऊपर ऐसे जंप कर देना है और फिर आपके पास वाली वॉल के ऊपर एडजस्ट करके यहाँ पर जंप कर देना है। और गाइस यहाँ बैठे बैठे जो भी बंदा यहाँ पर बैठा है या फिर नॉक कैंपिंग कर रहा है तो आपको इजीली यहाँ पर नॉक एंड फिनिश कर सकते हो। गाइस यहाँ पर कैंपिंग करने वाले स्क्वाड के ऊपर यहाँ पर एक और ट्रिक है, आपको सिंपली करना है कि घर के ऊपर जाकर यहाँ से जंप करके उसकी बंदे के एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेनी है और फिर आपको यहाँ से नेड कर देना है या फिर मॉली कर देना है। मॉली करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आके बैठ जाना है और गाइस जैसे उनको डैमेज पड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो वो या तो फिर यहाँ बाहर आके खड़े हो जाएंगे या फिर वो सीधा वहाँ से डायरेक्ट जंप करेंगे। अगर जंप करेंगे तो गाइस यहाँ से आप उसका इजीली व्यू लेकर यहाँ से नॉक एंड फिनिश कर सकते हो। और गाइस यही सेम चीज़ आप अपनी दूसरी साइड भी कर सकते हो, लेकिन वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है। तो आपको देखो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या डिफरेंस होने वाला है। आपको सिंपली घर के ऊपर जाना है तो आप यहां पर आने के बाद सिंपली आप जंप करके बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन लेकर उसके ऊपर नेड कर देना या फिर मॉली और फिर यहां पर आकर आपको जंप कर यहां पर बैठ जाना है। ओके जो भी बंदा सीढ़ियों से नीचे उतरेगा आप यहां पर स्प्रे देकर उसको इजीली नॉक एंड फिनिश कर सकते हो। और यहाँ पर एक और ट्रिक है, उसके लिए आपको घर के ऊपर जाना है और गाइस अपने पास वाले पाइप के ऊपर सिंपली ऐसे भागकर आपको एंडिंग में जाकर यहाँ पर बैठ जाना है। और गाइस जो भी बंदा यहाँ पर कैंप करके बैठा है आप यहाँ से इजीली उसको नॉक एंड फिनिश कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर एक और ट्रिक है, आपको सिंपली अपने आगे वाले कंटेनर के ऊपर ऐसे जंप कर देना है और आपको वॉल के ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट कर फिर आपको फुल स्पीड में भागना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आके गाइस जो भी बंदा यहाँ पर कैंप करके बैठा है आप उसको इजीली यहाँ से नॉक एंड फिनिश कर सकते हो। एंड आई होप कि ये वाली जो ट्रिक है आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी इन गेम में। तो हमारी अगली जो ट्रिक है वो है कि जब भी गाइस आप यहाँ पर बैठे हो और अगर आपको लगता है कि कोई पूरी की पूरी स्क्वाड आपके ऊपर रश करने वाली है तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको यहाँ पर भागकर आपको ऊपर जाने के बजाय आपको करना क्या है कि आपको अपने सामने वाले विंडो से बाहर जंप कर देना है। और यहाँ पर जंप करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर पाइप के ऊपर जंप कर यहाँ पर बैठ जाना है और जैसे ही पूरी की पूरी स्क्वाड ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर मॉली या फिर नेड कर देना है। और गाइस विंडो से अंदर जंप करने के बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है और जो भी बंदा यहाँ से मॉली या फिर नेड से डैमेज लेकर नीचे आएगा आप यहां से इजीली उसको स्प्रे देकर उसको नॉक एंड फिनिश कर सकते हो।
तो गाइस हमारी ये वाली जो ट्रिक है वो मतलब 99 लोगों को पता भी नहीं है और शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगी। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पावर प्लांट के पीछे वाली वॉल के यहाँ पर जो विंडो है, यहाँ से हम मतलब बाहर से हम लोग अंदर नहीं जा सकते। आप लोग देख सकते हो कि मैं कितनी बार भी जंप करूँ मैं यहाँ पर अंदर की तरफ नहीं जा सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जाने का सही मेथड क्या है कि आपको सिंपली पीछे आकर आपको वॉल से थोड़ा सा दूर होकर ही आपको सिंपली ऐसे जंप कर देना है। और गाइस बूम, आप सभी लोग देख सकते हो कितना इजीली मैं यहाँ पर अंदर आ गया हूँ। और सिंपली यहाँ पर अंदर आने के बाद जो भी बंदा यहाँ पर या फिर स्क्वाड कैंप करके बैठी है, आप उनको पीछे से आकर सरप्राइज अटैक दे सकते हो। तो गाइस हमारी अगली जो ट्रिक है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग कैंपिंग करना पसंद करते हैं। तो गाइस आपको सिंपली करना क्या है कि आपको पावर प्लांट के इस साइड में आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्रोकन वॉल के पास आकर थोड़ा सा पीछे आकर आपको सिंपली यहाँ पर आगे वाले घर के ऊपर जंप कर देना है और वापस उसके ऊपर आकर आपको अपने आगे वाले घर के ऊपर ऐसे जंप एंड ग्रैब कर देना है। और यहाँ पर ऊपर आने के बाद गाइस यहाँ पर आप लेटे लेटे जो भी बंदा पावर प्लांट के ऊपर आपको स्पॉट होता है तो आप यहाँ से इजीली, अगर आपके पास कोई भी अच्छी स्कोप है तो यहाँ पर इजीली आप ख़त्म एंड नॉक कर सकते हो। और साथ ही अगर कोई भी बंदा यहाँ पर लूट भी करने आता है तो उसको भी दी एंड कर सकते हो। और क्या जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपको हमेशा यहाँ पर एक गाड़ी देखने को मिल जाएगी, तो जो भी स्क्वाड पावर प्लांट के अंदर बची होगी तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर गाड़ी लेने तो ज़रूर आएगा। तो जैसे वो यहाँ पर गाड़ी लेने आता है तो आप उसको ईजिली नॉक एंड फिनिश कर सकते हो। और गाइस यही सेम ट्रिक आप यहाँ पर बहुत सारे घर के ऊपर कर सकते हो। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको यहाँ पर आकर इस वॉल के ऊपर चढ़कर आपको जंप कर ग्रैब कर देना है। और गाइस देख सकते हैं कि आप इस वाले घर के ऊपर इजीली यहाँ पर लेटकर आगे वाले घर के ऊपर स्प्रे दे सकते हो। और गाइस एक और ट्रिक यहाँ पर आप अपने पास वाले घर के ऊपर कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि घर के अंदर आकर इस वाले गेट को आपको बाहर की तरफ ओपन कर देना है और फिर आपको यहाँ पर आकर वॉल के ऊपर चढ़कर आपको डोर के एकदम अपोजिट में आकर जंप एंड ग्रैब कर देना है। और गाइस देख सकते हैं कि आप यहाँ पर भी कितने इजीली कैंपिंग कर सकते हो और यहाँ पर लेटे लेटे आप अपने सामने वाले घर के ऊपर इजीली स्प्रे भी कर सकते हो। तो बस गाइस आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि BGMI से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर हर रोज मिलती रहेगी। सो गाइस मिलता हूँ अगले वीडियो में।